क्लास 7 लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 7.2 का आज पहला क्वेश्चन है, 7 मोर देन ट्वाइस ए नंबर इक्वल्स 113। सॉल्यूशन, लेट द नंबर इक्वल टू, इक्वल टू एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला, 7 मोर देन ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 7 इक्वल्स 113। इसको सॉल्व करना है, 113 माइनस 7, प्लस से माइनस हो गया, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 106, x इक्वल टू हो जाएगा 106 बाय 2, 25 जा 10, 23 जा 6, 53। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, 2 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर, लेट द नंबर इक्वल टू x, लेट द, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, लेट द नंबर इक्वल टू x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर मतलब 2x, 2 एडेड मतलब 2 ऐड कर रहे हैं, 13 बाई 5 आ रहा है इसका वैल्यू, तो हम लोग जो है 2x बराबर 2 उसको नेगेटिव में चला जाएगा, बराबर के उधर गया तो इक्वल के 2 के उधर गया तो एलसीएम ले लेंगे, 5 13 माइनस, देखिए 2 5 जो 10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई 5, और ये जो 2 था ये नीचे चला आएगा, यानी कि x इक्वल टू 3 बाई 10। ये हो गया सॉल्यूशन 1 एंड 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर मल्टीप्लाई बाई 8 एक्सिट्स इटसेल्फ बाई 90, फाइंड द नंबर, लेट द नंबर इक्वल टू, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, वो 90 उस नंबर से, मतलब अगर हम लोग इसमें x जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, देखिए एक्सिट्स कर रहा है 90, अगर उस नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 बाई 9, x इक्वल टू 9 का टेबल में 90 10 नंबर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर इज ग्रेटर देन 35, लेट द नंबर इक्वल टू x, लेट द नंबर इक्वल टू x, ए नंबर इज ग्रेटर देन 35 एज इट्स इट लेस देन 91, x प्लस 35 इक्वल टू 91 माइनस x, ए नंबर इज ग्रेटर देन 35 इट इज लेस देन 91 में उसको घटाने से दोनों बराबर हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू 91 माइनस 35, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 4 5 56, x इक्वल टू हो जाएगा 56 बाय 2, 2 2 4 2 8 16, x इक्वल टू हो गया 28। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, ठीक है, इज जीरो, फाइंड द इंटीजर्स, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस वन, कंसेक्यूटिव है तो एक वन वन ऐड होते जाएगा, थर्ड इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सबका सम क्या है, जीरो है, यानी कि एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई थ्री, एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू माइनस वन, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन यानी कि जीरो, और थर्ड इंटीजर
माइनस वन प्लस टू यानी कि वन, माइनस वन जीरो और वन आंसर हो गया। चलिए तो ऐसे ही मैथ्स के लिए बने रहें, अपने दोस्तों को जोड़ें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।